भारत कृषि प्रधान देश है। पहले ज्यादा जनता भारत की गांव में ही रहती थी। गांव में भी ऐसे बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते थे, पर वो धर्म और सत्संग की गतिविधियों से दूर रहते, शराब मांस अंडे मछलियों का सेवन करते, वैश्यावृत्ति ज्यादा करते। इसके परिणाम स्वरूप उनका पाप बढ़ता चला गया और उस पाप का परिणाम ये हुआ कि जिनके बोरों में भर भर के नोट इधर से उधर जाते थे, आज वो दूसरों के यहाँ जाकर के हम्माली करके बोरे पीठ पे लाद रहे हैं। महाराज, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ धन ही अगर है पर ध्यान नहीं है ठीक, हमारा मन ठीक नहीं है, हमारी समझ ठीक नहीं है, हमें हमारा भविष्य ठीक से नहीं दिख रहा है, तो फिर धन का दुरुपयोग भी हो सकता है और उसका परिणाम ऐसा होता है। इसीलिए सत्संग, भजन, धर्म, भगवान, साधु संत, सनातन धर्म के ग्रंथ, इनसे सतत जुड़े रहना जरूरी है, जिससे हमें ये भी पता बना रहे कि धन होना अच्छा है पर धन का सदुपयोग होना उससे भी ज्यादा अच्छा है।